तो ये बात तब की है जब हमारे लप्पू सचिन जो है क्रिकेटर हुआ करते थे। और मैं कसम से बता रहा हूँ, क्रिकेट में सचिन का नाम ऐसा था, सचिन का दबदबा ऐसा था, अच्छे अच्छों की सुन के गांठ फट जाती थी। और सचिन की इसी गांठ फाड़ बैटिंग के कारण सचिन का करियर खतरे में आ चुका था। मतलब यार, एक बार का एक सचिन का मैच था और सचिन ने सिक्स मारने की कोशिश करी और तभी जाके एक लप्पू सी सीमा नाम की लड़की के सर पे जाके वो बॉल टकराई और सचिन का करियर खतरे में आ गया। सचिन को लगभग 1.5 साल के लिए क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया गया। और इसी के कारण सचिन जो है भैया सड़कों पे आ गए। तुम लोग देखो, सचिन जो है एकदम फकीरों की जिंदगी जीने लगा सीमा के कारण। और सीमा को जैसे पता चलता है कि उसकी वजह से सचिन का करियर खराब हो जाता है, तो सीमा ये सोचती है कि वो अभी जाएगी इंडिया और सचिन का कैरियर वापिस से ठीक करेगी। अब वो कैसे ठीक करेगी मुझे घंटा नहीं मालूम। तो यहाँ पे वीडियो रोकने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो मैं सचिन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे स्वयं सचिन भाई ने मुझे मैसेज कर दिया है और ये वो लप्पू सचिन बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो बिल्कुल ओरिजिनल अकाउंट। चलिए सुनते हैं सचिन भाई कह क्या रहे हैं। अरे भैया, इन जो बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे गांड में डाल, ठीक है सचिन भाई, मैं अभी आपके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, मैं किसी और को पकड़ता हूँ व्यूज के लिए, ठीक है। तो तुम लोगों को गाइस थोड़ी बहुत सीमा की अनटोल्ड स्टोरी मालूम होगी कि वो इंडिया कैसे आई। तुम लोगों ने इंटरनेट पे रील्स में फकीरों की जगहों पे जरूर देखा होगा कि सीमा सबसे पहले दुबई गई, दुबई से आई नेपाल और नेपाल से वीजा करा के वो इंडिया आ गई। अरे मेरे अच्छा, यही है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सीमा जो है इंडिया आने के लिए बचपन में एक मेले में खो गई, तो बाजार में खो गई सीमा। उसके बाद बाजार में मिले वहां पे उसे सल्लू भाई, और सल्लू भाई जो है सीमा को लेकर के आई इंडिया। और भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना, सल्लू भाई ही है जो सीमा को बॉर्डर क्रॉस करा के इंडिया लेकर आए हैं। मैं चार नवाब दारुला आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान से सीमा हैदर आ चुकी है, हमको वापस सुरक्षित पाकिस्तान भगाना है। मेरा कैमरामैन चोदू चंद के साथ आप लोग देख रहे हो बिकूल बड़ी न्यूज टीवी चैनल। तो अभी तुम लोग समझ गए होगे कि ये सारी फसाद की जड़ ही सल्लू भाई है। सल्लू भाई को भगाओ यहाँ से, सल्लू भाई को बॉयकॉट करो, सल्लू भाई को पाकिस्तान भेजो। न्यू मैसेज फ्रॉम सलमान भाई। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की तेरे कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को सीमा की बचपन की कहानी सुनाई कि सीमा जो है बचपन के अंदर ही पाकिस्तान से इंडिया आ गई थी। और जैसे कि तुम लोगों को अभी पता चल रहा है, मुझे तो वैसे उसके बचपन में ही पता चल गया था, लेकिन अभी टीवी न्यूज वाले सभी कवर कर रहे हैं कि पबजी के अंदर से जो है सीमा सचिन के साथ मिली और सचिन ने सीमा को प्रपोज मार दिया और अभी सीमा जो है सस्ते में पट गई और अभी ये दोनों रिलेशन में आ चुके हैं। और सीमा जो है 25 साल मतलब अभी 30 साल की हो गई है और 30 साल की उम्र में सीमा जो है पाकिस्तान से इंडिया आ गया। अरे मेरे कद्दू का, वो अभी आई है, वो बचपन के अंदर ही आ गई थी, जो कि मेरी रिसर्च के हिसाब से गलत हो ही नहीं सकता। तो दुनिया के सारे न्यूज टीवी रिपोर्टर्स यहाँ जाके सीमा का इंटरव्यू ले रहे हैं कि पाकिस्तान से औरत लेके आ जा रहे हैं आपके पड़ोसी, तो कैसा लग रहा है आपको? आप कहा बताएं, ये सब देख देख के तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। सचिन सचिन कहा है, सचिन में लप्पू सा तो है सचिन, मुंह में बोला उसके जात ना है, बोलना उसे आता नहीं है, खड़ा उसका होता नहीं है, झिंगूर सा लड़का है सचिन, कोई उसके लिए नाला पार ना करे, पाकिस्तान से आएगी। और सीमा भी सबका चूतिया काट रही है, लेकिन ये मुद्दा पबजी के अंदर से उठा था। जैसे कि तुम लोगों को पता है सीमा और सचिन जो है पबजी के अंदर से मिले हैं, तो ये मुद्दा पबजी के अंदर से ही शुरू हुआ था और मैं इसको पबजी के अंदर ही खत्म करना चाहता हूँ। तो आओ यार हम लोग भी देखो पबजी प्लेयर्स का इंटरव्यू लेते हैं और देखते हैं पबजी प्लेयर्स का क्या कहना है सीमा हैदर के ऊपर। तेरा पापा कह रहे क्या वहाँ पे चटा रहा है? हेलो 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 भाई, हेलो हेलो, कोई सीमा को जानता है क्या? कोई सीमा लवर है क्या यहाँ पे? मैं जानता हूँ सीमा को। मैं कैसे जानते हो भाई तुम उसको? वो कमाटीपुरा जाता था मैं तो, वहीं पे मिलती थी मेरे को रोज। अब मुझे यहाँ पे घंटा समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा किस कमाटीपुरा की बात कर रहा है, और मैं मजाक से हटकर बता रहा हूँ, मुझे सही में समझ में नहीं आया ये बंदा बोल क्या रहा है। तू सीमा का कौन लगता है बे?
अरे मैं सीमा का दोस्त हूँ, रुको। तू सीमा का दोस्त? हाँ। अब यहाँ पे आगे चल के ऐसे ऐसे सीन होने वाले वीडियो के अंदर, मैंने खुद नहीं सोचा कि भाई ये क्या चल के आ रहा है यहाँ पर। तुम लोग आगे देखते जाओ बस। तुम दोनों कुछ भी कर लो, सीमा को तो मैं ले चुका हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं, मेरी बात सुनो। ये कौन था लप्पू सचिन? ये लप्पू सचिन नहीं, बोल तो रहा हूँ, कमाटीपुरा में लिया था मैंने उसको। ये कमाटीपुरा मालूम है? नहीं, वो देखा नहीं मैंने। अब यार ये बंदा मुंह से 400 बार कमाटीपुरा बोल चुका था, तो अभी मेरे को भी चूल मच गई यार। ऐसी है कौन सी जगह साला जो मुझे नहीं पता। तो मैं गया भैया सीधा YouTube के ऊपर, और YouTube के ऊपर मैंने सर्च किया कमाटीपुरा, और मेरे को ये क्या देखने को मिल गया। तो भाई ये मेरी सोच से भी ज्यादा अश्लील था, मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं। एक काम करते हैं हम ना, किसी और का इंटरव्यू लेते हैं ना, ठीक है? किसी और को पकड़ते हैं हम। हेलो नंबर एक, भाई तेरे को सीमा हैदर कैसी लगती है? बंदी वैसे तो होते हैं। अबे साले, तेरे को चार लड़के की माँ हॉट कैसे लगती है? अबे साले तो बबी जब नहीं है। कर देने जड़े रीस चकटे नानू मार। मैंने क्या किया? ऐसे अफवाह फैलाते हो, ऐसे खूबसूरत, ऐसे माल कर देने जड़े रीस चकटकर नानू मार। वो बड़ा नॉटी बंदा है भाई। मेरे को एक बात बताओ भाई, पाकिस्तान की इतनी खस्ता हालत है, ठीक है? मतलब वो उसको मिला के 1+3 उसके छोटे बच्चों को लेके पाकिस्तान से इधर आई कैसे? मतलब इतना पैसा। अबे वो पाकिस्तान में रहती नहीं थी, मैं कब से बोल रहा हूँ, कमाटीपुरा में रहती थी, कमाटीपुरा से उठ के आई है वो। लोग पाकिस्तान बोल रहे हो? अरे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं जगह जगह जाके इंटरव्यू ले रहा हूँ लोगों से कि आखिर। अरे वो यार यूट्यूब पे तू देखा नहीं, टीवी न्यूज वाले सब ले रहे, लेकिन पबजी है। अरे सचिन तो पबजी से मिले थे ना, तो मैंने सोचा पबजी प्लेयरों का भी इंटरव्यू देखो। देखो मेरा इंटरव्यू लेना है तो कमाटीपुरा में मिले, तो वहीं पे कमाटीपुरा। देख मुंबई नाम का एक शहर है, ठीक है? उसमें एक छोटा सा एक और शहर है। जब तेरे अंदर की आग खोलने लगे ना, तो उसको बुझाने के लिए इंसान जाता है कमाटीपुरा। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ यार, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अगर तू मर जाता तो सुन थोड़ी पाता। हाँ वो भी है, तेरी किस्मत में लिखा था कि तू ये सुने। देखो हकीकत पता चले। अभी तक मैंने सिर्फ सुना था कि सीमा सिर्फ सचिन की है, अब पता चल रहा है सीमा कहाँ कहाँ की है। सीमा सबकी है भाई, सबकी, पूरे इंडिया की सीमा। ओ भाई, मुझे सीमा की आईडी चाहिए पबजी वाली, मैं उधर रिक्वेस्ट भेजूंगा पबजी वाली। थैंक यू भाई, awesome. इसके लिए ना तेरे को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी उससे, पहले तो उसको अलग से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। क्यों भाई, अपॉइंटमेंट क्यों? अपॉइंटमेंट इसलिए लेनी पड़ेगी, उसके पास ऑलरेडी काफी नंबर लगे हुए हैं। प्लीज रिकॉल मी, गॉट इट। और बस भाई अपना इंटरव्यू यहीं पे खत्म होता है। और भाई मैंने सुना है कि सीमा हैदर के ऊपर अभी मूवी भी बन रही है। भाई कौन सा चूतिया अभी इसके ऊपर मूवी बना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन सा टैलेंट इसके अंदर? अपने इंडिया के अंदर दोस्तों कितने सारे रैपर हैं, कितने अच्छे सिंगर हैं, कितने टैलेंटेड लोग हैं अपनी दुनिया में यार, लेकिन ये इसके ऊपर मतलब है क्या यार इसके अंदर मूवी बनाने जैसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी, और ऐसी वीडियो आती रहेगी तो यार सब्सक्राइब मारो चैनल को। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसी नई वीडियो के साथ। दुनिया नचारा छोरा जाट कर, सिस्टम पे सिस्टम बैठारा छोरा जाट का, देख तेरे सुपना में आ रहा छोरा जाट का, शहर तेरे धुम्मा सा ठारा छोरा जाट का, काले तेरे सूट ने यो मारा छोरा जाट का। गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो,
ये हम लंफू सचिन को ढूंढने के लिए निकले हैं और बीमा हैदर हमको यहाँ पे मिली थी पिछली बार, और वो पाकिस्तान का यही रास्ता था, सॉरी नेपाल का, ये रास्ते से सीमा हैदर आई थी और हम बोले वो काटा भी यार फाड़ने का मुहिम चल रहा है गाइस, यहाँ पे बने रहिए हमारे के साथ।